सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज वेक्टर्स इन 3D की। हम बात कर रहे हैं क्लास 12 आर.डी. शर्मा मैथ्स की। बात हो रही है लाइन एंड प्लेन एंड 3D की बात हो रही है। उस पर एक टॉपिक है, टॉपिक ना कहिए क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन को टॉपिक के रूप में समझाने की कोशिश करते हैं। टू फाइंड पॉइंट ऑन ए लाइन, किसी भी लाइन पर एक पॉइंट निकालना है। अब पॉइंट निकालना है मतलब कुछ कंडीशन दी हुई होगी, तो कैसे निकाला जाता है जरा समझिएगा। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक लाइन का क्वेश्चन दिया है x plus 2 upon 3 इज इक्वल टू y plus 1 upon 2 इज इक्वल टू z minus 3 upon 2। कहते हैं इस लाइन पर कोई पॉइंट निकालो। अब उस पॉइंट की कुछ कंडीशन होती है, उसके बारे में थोड़ी देर एक मिनट बाद बात करते हैं। पढ़ लेते हैं पहले। एंड एट डिस्टेंस ऑफ 3√2 फ्रॉम द पॉइंट 1 to 5, मतलब एक पॉइंट 1 to 5 दिया हुआ, 1 to 5 है ना, 1 to 3, 1 to 3 दिया है, उससे उस पॉइंट की दूरी कह रहे हैं 10√3 है, 3√2 है। क्या लिख रहा हूं, 3√2 है। जरा समझिए कह क्या रहे हैं। इस लाइन पर एक पॉइंट निकालना है। पहले इस लाइन का परिचय क्या है। अगर इस लाइन का परिचय आप देखो तो आप कहोगे भैया ये लाइन जो है ना वो -2, -1, -3 पॉइंट से होकर पास हो रही है, जिसके डीआर हैं प्रोपोर्शनल टू 3√2, और ये पॉइंट ए मान लेते हैं। इस पर एक पॉइंट निकालना है आपको, कोई पॉइंट है पी मान लेते हैं। तो हमने बताया था इज इक्वल टू लैम्डा मान लेंगे और लैम्डा डिस्टेंस पर इसका पॉइंट निकालेंगे। टॉपिक जो बताया था वहां प्रूफ कराया था, समझाया था। तो यानी कि एक्स प्लस टू अपान 3 बराबर लैम्डा, यहां से x का मान क्या निकलने वाला है 3 λ - 2, y प्लस 1 अपान 2 बराबर लैम्डा, यहां से y क्या निकलने वाला है 2 λ - 1, z माइनस 3 अपान 2 बराबर लैम्डा, यहां से z का मान क्या निकलने वाला है 2 λ + 3। यानी ये जो पॉइंट आया है वो ये आया है 3 λ - 2, 2 λ - 1 और 2 λ + 3, ये पॉइंट निकल आया 3 λ - 2, 2 λ - 1, 2 λ + 3। नहीं समझे, अभी लैम्डा कुछ भी हो सकता है। नहीं, उन्होंने कहा एक पॉइंट ये आपका सी है और इससे इसके बीच की दूरी जो है वो 3√2 है, ऐसा बोला इन्होंने। मतलब जो पी से सी के बीच की दूरी है वो 3√2 है। अब सी कहां पे है हम क्या, हमें क्या मालूम कहां पर है, ऐसे कहीं बाहर लिख दिया हमने, ठीक है। तो अगर हम पी और सी के बीच दूरी निकालेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट लगाएंगे, तो 3 λ - 2 - 1, 3 λ - 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 λ - 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 λ + 3 - 3 का होल स्क्वायर, ये दिया है आपका 3√2। नहीं समझे, अब आपको इसे सॉल्व करना है और लैम्डा का मान निकालना है। अब कुछ चीजें आपके आपके लिए छोड़ रहे हैं, नहीं अभी कुछ चीजें बता देंगे तब छोड़ेंगे, चिंता मत करो। तो ये क्या आने वाला है, √3 λ - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 λ - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 λ का होल स्क्वायर बराबर 3√2। एक बार चेक कर लिया जाए 3 λ - 3, हाँ ठीक है। अब ऐसा करो इसको खोल दो, उठा करके इसका होल स्क्वायरिंग कर दो तो रूट हट जाएगा, इसको खोल दो तो आएगा 3√9 λ² प्लस 3√9 माइनस 3√9 = 18 λ प्लस 2√4 λ² प्लस 9 माइनस 3√6 = 12 λ प्लस 4 λ² बराबर 3√9 = 18, यह आएगा। अब यहां से 9 λ² 9 * 4 = 13 * 4 = 17 17 λ² माइनस का 18 λ और माइनस का 12 λ, माइनस का 30 λ और प्लस 9 * 9 = 18, इसको कैंसिल कर देगा बराबर 0। यहां से लैम्डा कॉमन, तो 17 λ - 30 = 0, लैम्डा का मान 1 0 आएगा, एक लैम्डा का मान 30/17 आएगा। नहीं समझे, लैम्डा की दो वैल्यू आ गई, एक 0 आ गई और एक 30/17 आ गई। तो जब लैम्डा का मान 0 कर दोगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा -2 - 1 - 3, यही पॉइंट आ जाएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, यानी ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। और भाई नॉट पॉसिबल हो जाएगा ना, ये कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल।
अगर यही पॉइंट आ जाएगा तो इस पॉइंट से इसके बीच की दूरी 3√2 कैसे आएगी? नहीं आ सकती है, आ सकती है, पॉसिबल है, सॉरी पॉसिबल है, ठीक है भैया, डिस्टेंस 3√2 हो सकती है ना, निकालो चाहे, हो सकती है। और जब लैम्डा का मान लिखोगे 30/17 तो पॉइंट पी क्या आएगा, यहां लिखो 30/17, हम रखने नहीं जा रहे, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, तो ये पॉइंट आ जाएगा 56/43/111, 56/17, 43/17, 111/17। तो इस प्रकार से हम किसी भी लाइन पर किसी पॉइंट को निकाल सकते हैं। ये एक टॉपिक ना कहिए, एक न्यूमेरिकल है, एक सिस्टम है कैसे क्वेश्चन लगाया जाएगा, ठीक है। हाँ, ये लैम्डा निकालने के लिए कंडीशन कुछ भी दी हो सकती है, जैसे यहां इस पॉइंट के बीच की दूरी दी है, कहेंगे पॉइंट किसी के पैरेलल है, ये पॉइंट की लाइन कहीं किसी की, कोई ना कोई कंडीशन दी होगी, वो कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।